जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। जालौन में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटी टूरिस्ट बस। हादसे में एक की मौत, करीब दो दर्जन यात्री लोग हुए हैं घायल। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग दौड़े और राहत और बचाव कार्य किया शुरू। इसी बीच राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस बचाव एवं राहत कार्य में जुटी। अहमदाबाद से कानपुर जा रही थी टूरिस्ट बस, घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में कराया गया भर्ती। बताते चले, आटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 के साय मंदिर के सामने की बताई जा रही है घटना। घटनाक्रम का कारण अभी तक नहीं हो पाया है स्पष्ट। सर, एक कालपी कोतवाली क्षेत्र में हाईवे पे बस पलटी हुई है, सर क्या मामला पूरा है और कितने लोग घायल हैं? थाना कालपी पे साईं धाम मंदिर का क्षेत्र है, यहाँ पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही मैं इंस्पेक्टर कालपी इंस्पेक्टर आटा यहाँ आए हैं और जितने भी घायल थे, करीब 40 से करीब सवार थे, सभी घायलों को सुरक्षित निकालकर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है। एक भैया जो फंस गया था उसको पेट के जरिए निकाला गया है, वो दर्द हो गया है और उसकी बॉडी को पंचनामा बनकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे भी कर लेंगे। सर, ये बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ को जा रही थी? ये बस कोतवाली उरई की तरफ से आ रही थी, कालपी की तरफ जा रही थी और यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई।